इलेक्शन कमीशन जिसने तमाम जमातों को इनके हिस्से की मखसूस सीटों से नवाज दिया है, नवाज क्या दिया, बस आप यूं समझ लीजिए कि किसी बादशाह के महल के अंदर कोई अपनी रकासाओं के ऊपर ऐसे हार नहीं डालता जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इनको सीटें मखसूस सीटों से नवाजा। आपने इलेक्शन की तारीख के अंदर धांधली धांधला धंधलासा, इससे बड़ा कोई आपको लफ्ज भी नहीं मिलेगा कि धांधले का भी अब्बा कर दिया। इतनी बेईमानी की करनी थी तो इलेक्शन करवानी क्या है, कमिश्नर ने बता दिया, बाद में मुकर गया, लेकिन ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन्होंने कहां जान देनी है मुझे नहीं मालूम। क्या सदर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने की बात तो की जा रही है, लेकिन पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इलेक्शन 90 दिन में ना कराना आईन के खिलाफ अर्जी नहीं थी? 14 रोज में फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड ना करना भी कानून की खिलाफ अर्जी नहीं थी? मखसूस नशस्तों का फैसला ना करके हाउस मुकम्मल ना करना भी खिलाफ अर्जी नहीं थी? क्या सिर्फ खिलाफ अर्जी यही है कि 21 दिन में इजलास नहीं बुलाया गया? इसलिए बराए मेहरबानी बिलावल साहब आईन और कानून की बातें रहने दें, ये बातें आपके अब्बा जी ने तबाह बर्बाद कर दी है। आपके अब्बा जी ने आईन और कानून का साथ नहीं लिया, आपके अब्बा जी ने इस टाइम पर सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की है और आप उसकी एक छोटा से पपेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हिंदुस्तान की तकसीम से कब्ल बनारस शहर अपनी बहुत सी खूबियों की वजह से मशहूर था, मसलन बनारसी पान, बनारसी बाबू, बनारसी सूट, बनारसी साड़ी और सबसे बढ़कर बनारसी ठग। यह पेशावर ठग इंसानी कमजोरियों से फायदा उठाकर खुशबू वाला रुमाल सुंघाकर बाकायदा तौर पर सादा लौ लोगों को नित नए झांसे देकर लूटते थे। पाकिस्तान आजाद तो हो गया लेकिन इन बनारसी ठगों से जान नहीं छुड़वा पाया। ये ठग आज भी सियासतदानों का रूप धारकर खुशनुमा दावों वादों की खुशबू से मुअत्तर रुमाल दिखाकर अवाम को बेवकूफ बनाने और लूटने में मसरूफ है। आज हमें ऐसे ही कुछ बनारसी ठग इलेक्शन कमीशन में नजर आए जो खुद तो अवामी ताईद और वोट से जीतने के काबिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले धांधले से अवाम के वोट चोरी कराए और अब तक चोरी करा रहे हैं, और साथ ही वो तहरीक इंसाफ के हिस्से की मखसूस सीटें लेने आज इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। कि कैसी बड़ी वारदात डालने यहां पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन जिसने तमाम जमातों को इनके हिस्से की मखसूस सीटों से नवाज दिया है, नवाज क्या दिया, बस आप यूं समझ लीजिए कि किसी बादशाह के महल के अंदर कोई अपनी रकासाओं के ऊपर ऐसे हार नहीं डालता जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इनको सीटें मखसूस सीटों से नवाजा है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें पीटीआई के बेशतर अराकीन शामिल हो गए हैं, इनकी सीटें देने से कतरा रहे हैं और नित नए तरीकों से ये सीटें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में इससे मुतल्लिक बारीक वारदात आज डाली गई। वो बारीक वारदात ये थी कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें लेने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के वकला रहनुमा भी आज समात में पहुंच गए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम की तरफ से आजम नसीम तारड़, फारूक एच नाइक, फरोख नसीम ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आखिरी तारीख तक, अंदाजा कीजिए कैसे जबरदस्त उन्होंने बारीक वारदात डाली है, कि सुन्नी इत्तेहाद ने आखिरी तारीख तक इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरस्त ही जमा नहीं करवाई, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? इसलिए ये सीटें तीनों जमातों में तकसीम कर दी जाए, जिस पर सेनेटर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से इन जमातों की दरखास्त पढ़ने की मोहलत मांगी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कल तक समात मुलतवी कर दी। बनारसी ठगों की इन तीनों जमातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है। एक बारीक वारदात जो और डाली जा रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को वफाक में मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नून की हुकूमत वफाक में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बिसाखियों पर कायम होने जा रही है, लेकिन अब नून लीग की ख्वाहिश पर इनकी हुकूमत को मजबूत किया जा रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन बदबूदार करदार अदा कर रहा है। ये दो ही तरह मुमकिन है, एक ये कि मुस्लिम लीग नून को इनके हिस्से से ज्यादा मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाए, और दूसरा मखसूस रिकाउंटिंग के दौरान पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों के वोट रिजेक्ट करके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जितवाने की कोशिश की जाए, जिसका आगाज भी कर दिया गया। अंदाजा कीजिए इसका आगाज हो चुका। लोधरा के हल्का NA 54 में, जहां से पीटीआई के राणा फराज नून
6000 की लीड से जीत गए थे और इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। इस पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा रिकाउंटिंग का हुक्म दे दिया है। मुतलका उम्मीदवार ने इससे मुतलक अदालत से स्टे हासिल किया, लेकिन इसके बाद भी रिकाउंटिंग की गई। स्टे के बाद भी रिकाउंटिंग करना, ये कौन सा कानून है जिसमें पीटीआई के उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को फतह दिला दी गई। इस दोबारा रिकाउंटिंग में राणा फराज नून के वोट 14,254 के बराबर कम हो गए और 9 फरवरी को मुस्तरद वोटों की तादाद 7,803 थी, लेकिन दोबारा रिकाउंटिंग में मुस्तरद वोटों में 13,000 का इजाफा हुआ। मुस्तरद वोट बढ़कर 20,816 हो गए। इस तरह अब्दुल रहमान कांजू मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, इनके वोट इतने ही रहे, लेकिन फराज नून के वोट डबल मोहरे लगाकर मुस्तरद कर दिए गए। इस तरह की कार्रवाइयां डालकर मुस्लिम लीग नून को मजीद 12 से 15 नशिस्तें देने का प्लान बनाया गया है। इतना खतरनाक प्लान आपने इलेक्शन की तारीख के अंदर धांधली धांधला धंधलासा, इससे बड़ा कोई आपको लफ्ज भी नहीं मिलेगा कि धांधले का भी अब्बा कर दिया इन्होंने। इतनी ज्यादा रिगिंग, इतनी ज्यादा पोस्ट पोल रिगिंग कि आप इंतहा दर्जे तक पहुंच गए। इतनी बेईमानी की करनी थी तो इलेक्शन करवानी क्या है? और ये सिकंदर सुल्तान राजा ने खुदा के हजूर जवाब देना है या नहीं देना, मुझे नहीं पता कि इसके साथ कौन सा गजब टूटेगा, कौन सी सजा इसके ऊपर उतरेगी, लेकिन ये सब के सब लोग इसमें मुलव्वस हैं। कमिश्नर ने बता दिया, बाद में मुकर गया, लेकिन ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इन्होंने कहां जान देनी है मुझे नहीं मालूम। बहरहाल 12 से 15 नशिस्तें देने का जो प्लान बनाया गया ताकि इनकी हुकूमत वफाक में कुछ मजबूत हो सके, इसलिए फैसलाबाद में भी एक हल्के में दोबारा रिकाउंटिंग कराने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। और मानसेरा जहां से नवाज शरीफ बदतरीन शिकस्त का शिकार हुए, वहां भी दोबारा सिलेक्शन कराने के लिए दरखास्त जमा करा दी गई। अब आते हैं आईन और कानून की तरफ, जहां जिसकी धज्जियां उड़ाई है ना इन्होंने, उस आईन और कानून की तरफ आता हूं जिसका इस मुल्क में सत्यानाश कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसको नंगा किया गया आईन और कानून को। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर आरिफ अलवी को आर्टिकल 6 यानी संगीन गर्दारी का मुकदमा दर्ज होने की खबर दी है और कहा है कि असेंबली का इजलास न बुलाकर और इससे कबल असेंबली तोड़कर, चूंकि उन्होंने आईन से गद्दारी की है इसलिए इन पर सदारती मुद्दत खत्म होने के बाद गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज बिलावल ने यह दावा तो कर दिया, लेकिन इससे कुछ सवाल हैं। क्या सदर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने की बात तो की जा रही है, लेकिन पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन 90 दिन में ना कराना आईन के खिलाफ अर्जी नहीं थी? 14 रोज में फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड ना करना भी कानून की खिलाफ अर्जी नहीं थी? मखसूस नशिस्तों का फैसला ना करके हाउस मुकम्मल ना करना भी खिलाफ अर्जी नहीं थी? क्या सिर्फ खिलाफ अर्जी यही है कि 21 दिन में इजलास नहीं बुलाया गया? हालांकि वो इस चीज का राइट रखते हैं कि वो बुलाएं या ना बुलाएं, वो सिर्फ मखसूस सीटों की बात कर रहे हैं कि सुन्नी इतिहाद को उनका राइट दिया जाए, उनको मखसूस सीटें दी जाए। आपने एक पार्टी को पहले बर्बाद किया, फिर उसको सिंबल फ्री कर दिया और फिर उसके लोगों को तोड़ा, तोड़कर भी आपके जो है वो हालात नहीं बन रहे। आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक पार्टी को जो दी गई थी उससे टकराकर आपका काम नहीं हो रहा। आपने हार ना मानने के बजाय आप सारा का सारा बेईमानी पर अपनी हुकूमत बनाने के बाद भी आप तुले में कि ये मामला हो, आप किस मुंह से सदर के ऊपर गद्दारी का फैसला करेंगे जी? इसलिए बराए मेहरबानी बिलावल साहब, आईन और कानून की बातें रहने दें, ये बातें आपके अब्बा जी ने तबाह बर्बाद कर दी हैं। आपके अब्बा जी ने आईन और कानून का साथ नहीं लिया, आपके अब्बा जी ने इस टाइम पर सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की है और आप उसकी एक छोटा से पपेट हैं और आप पपेट बनकर रह गए। हमारा ख्याल था कि शायद आपके अंदर अपने वालदा की जमहूरी रूह आ गई है, लेकिन बाप का जो है वो डीएनए यकीनी तौर पर आता है। अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बहरहाल जो आईन और कानून की बातें आप रहने दें, बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अब आते हैं हमारी नई चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की तरफ। मरियम नवाज जो एक पार्ट टाइम सियासतदान है, उन्होंने कल मुल्क के सबसे बड़े सूबे का हल्फ उठाया और ऊपर नीचे मुख्तलिफ थानों और हस्पतालों का दौरा किया। ये दौरे अवामी फलाह के लिए होते तो अच्छा होता, लेकिन नमूद और नुमाइश जो इन दौरों के दौरान आया थी साबित कर रही थी कि मोहतरमा को भी अपने चचा शहबाज शरीफ की तरह कैमरों में आने का शौक है। इसके अलावा उन्होंने कल कुछ वादे किए, इन वादों की हकीकत भी आपको बताते चलें कि मरियम नवाज ने जो
एयर एम्बुलेंस चलाने का ऐलान किया है। इतने सादा एम्बुलेंस चल नहीं रही, बीबी तू केड़ी एयर एम्बुलेंस चलाने लगी है? अमीर लोग अमीर बातें हैं। आपके करो 1 अरब के अब्बा जी के ट्रांसप्लांट कराने हैं आपने, मेरे ख्याल में आप जो एयर एम्बुलेंस लेकर आ रही हैं, तो इसके इन्होंने ऐलान क्या किए? ये वही वाली बात है जो फ्रांस की मलका ने किया था, क्या लोगों को रोटी नहीं मिलती तो ये ब्रेड क्यों नहीं खा लेते? तो बीबी ने भी वही काम किया कि वो कह रहे हैं जो एयर एम्बुलेंस चलाने का ऐलान करेंगे, अंदाजा करें कि ये आम एम्बुलेंस आपको मिल नहीं रही, सादा एम्बुलेंस लोगों के घरों में जाती नहीं। ये तो परवेज इलाही का अल्लाह भला करे रेस्क्यू 1122 दे गया, लेकिन जो एयर एम्बुलेंस चलाने का ऐलान ये करने वाली हैं, कहीं वो बीबी ध्यान करें, जो काम आप कर नहीं सकते, जो फिजिबल आइडियाज नहीं है, जो अचीवेबल प्रोजेक्ट्स नहीं होते, उनका जिक्र भी नहीं करने। लेकिन ये लोग तो आपको, तो आपका इनका एक इंटरव्यू याद है जिसमें इन्होंने रियलिटी में फिक्शन देखी थी, तो जब रियलिटी में फिक्शन देखेंगे तो एयर एम्बुलेंस चलाने का ऐलान करेगी ना। तो इसकी हकीकत यह है कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस मंसूबा परवेज इलाही का था, जो उन्होंने उसकी फिजिबिलिटी बनाई थी, जाहिर सी बात है मुकम्मल नहीं हुआ था। यह मरियम नवाज का इकदाम नहीं है, मंसूबे पे काम 2003 में शुरू किया गया था। म्यू अस्पताल लाहौर में एयर एम्बुलेंस हेली टावर तामीर किया गया था, शहबाज शरीफ हुकूमत ने मंसूबे पे काम रोक दिया था, जिसके बाद पीटीआई के दौरे हुकूमत में मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया गया। इस तरह ई लाइब्रेरियां तहरीक इंसाफ की हुकूमत 20 अजला में कायम करके गई थी। डेथ मैरिज समेत दीगर सर्टिफिकेट पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिसके लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बल्दिया ऐप लॉन्च की थी। आने वाली गर्मियां मजदूर कम आमदनी वाले तबकों के लिए बहुत ही मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि बिजली की कीमत खतरनाक हद तक बढ़ाई जाएगी। यहां सवाल यह है कि जब मजदूरों की आमदनी ही इसकी बिजली के बिल से कम होगी तो वो ये बिल कहां से देगा? गुज़श्ता दिनों जब बिजली की तकसीम कार कंपनी नेप्रा के 22 बिजली की कीमतों में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे के लिए पहुंची, तो नेप्रा ने बहुत बुलंद बाग दावे किए थे कि ये इजाफे नहीं होने देंगे, लेकिन अब इस दरखास्त पर रात की तारीकी में फैसला सुना दिया गया और सार्फिन पर बिजली बम गिराते हुए जनवरी की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। ये इस नई हुकूमत की आवाम को पहली सलामी है, कबूल कीजिए। इसके बाद कभी उम्मीद है कि ये इस मुल्क से गरीबों का खुदा ना खास्ता खात्मा करके ही दम लेंगे। आज की एक अहम डेवलपमेंट एहतसाब अदालत से सामने आई है, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ और इनकी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस केस में फर्द जुर्म इलेक्शन से कबल ही आयद होने का इम्कान था, लेकिन इद्दत में निकाह केस, तोशाखाना केस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी साइफर केस में ऊपर नीचे सजाओं के बाद इस केस में कुछ ठहराव आ गया है, लेकिन अब दोबारा से इस केस को पहिए लग गए। आज इमरान खान ने सहाफियों से जेल में गुफ्तगू करते हुए यह वाजे किया कि उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियारात के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की माफी नहीं चाहिए, वो अपने खिलाफ होने वाले केसेस की मुकम्मल कानूनी जंग लड़ेंगे। इसी बात से आज पूरे पाकिस्तान इस एक मामले की वजह से कि वो किसी किस्म की जो है वो इम्यूनिटी नहीं लेना चाहते, वो सदर से भी इम्यूनिटी के तलबगार नहीं है, वो माफी भी नहीं मांग रहे और आज अपनी कौम को खड़ा करने के लिए जेल के अंदर है, और बाकी लोग जो हैं वो आपके सामने दोबारा पंजाब को लूट रहे हैं, दोबारा वफाक को लूट रहे हैं और पाकिस्तान का रहा सहा थोड़ा बहुत भी जो खुफिया पैसा है वो निकालकर पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। बाकी अल्लाह हाफिज।